love the way you kiss me every night. I love the way you touch me, pull me right. But every day you keep on telling me that I should go. सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ मीशा, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन कस्टम मेनिया। तो आप सभी का स्वागत है हमारी दूसरी वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने के वाले हैं अपने इन शॉकर्स को पेंट। तो जैसे कि आपको पता होगा कि बाइक के शॉकर या स्कूटी के शॉकर को पेंट करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इनमें जो कॉइल होती है, जो इसकी स्प्रिंग होती है, इसमें पेंट होना काफ़ी दिक्कत वाला काम होता है। तो इन शॉकर्स का पूरा प्रोसेस पेंट करने का हमने इस वीडियो में दिखाया आप सभी को। तो बेसिकली इस टाइप की वीडियोस यूट्यूब पे काफ़ी कम है, और ये जो एक टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, खासकर उनके लिए जो बहुत टाइम पुरानी बाइक्स हो जाती हैं, जिनका मतलब रखे रखे भी पेंट काफ़ी डैमेज हो जाता है, और काफ़ी स्कूटीज़ में भी प्रॉब्लम आती है इस चीज़ की। तो अभी जो कलर है वो गोल्डन कलर है, और गोल्डन कलर मैंने बहुत पहले लगाया था, तो ओवरऑल गोल्डन कलर का जो रिस्पॉन्स है काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी टाइम तक रहा। बट अब जो है कहीं ना कहीं पर थोड़ा सा ये निकलने लग गया है, तो अब मैं सोच रहा हूँ इसको वापस से ब्लैक पेंट कर दूँ। और इनको पेंट करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इसके अंदर जो हमारी रॉड होती है, वो रॉड भी अगर कलर हो जाए तो उसका लुक बहुत बेकार हो जाता है। सो गाइस, अगर नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपको इस चैनल पे ऐसी कार मॉडिफिकेशन, बाइक मॉडिफिकेशन, कार डीआईवाई ट्रिक्स, बाइक डीआईवाई ट्रिक्स मिलते रहती हैं। तो मेक श्योर आप बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें। इसको अभी हम अपनी बाइक से निकाल लेंगे। और हाँ, बाइक से निकालने से पहले आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अपना मिडिल स्टैंड ज़रूर लगा लीजिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने बाइक से अपने शॉकर निकाल लिए हैं। तो अब इनको हम पहले कवर करेंगे, जो इनका अंदर की जो रॉड है उस रॉड को हम कवर करेंगे। तो हम एक पेपर की मदद से, जो न्यूज़पेपर होता है, हम उसकी मदद से इसका जो रॉड है उसको कवर करेंगे। आपको इसको बहुत पतला पतला सा फोल्ड करना है, उसके बाद आप देखिए आगे कैसे करेंगे हम। तो आप देख सकते हैं कि हमने जो ऊपर वाला पार्ट है कवर कर दिया है। तो अब हम इसका थोड़ा सा पार्ट भी बचा है और उसको फिर से कवर करेंगे। तो वही सेम प्रोसेस, थोड़ा और पेपर लेंगे और फिर से इसके ऊपर रोल हम पेपर को कर देंगे।
तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं इसे नीचे भी लगा सकता हूँ। अगर आपको नीचे का पार्ट यानी कि पूरा जो स्प्रिंग है वो चेंज करना है, सपोज मैं अगर इसमें रेड कलर करना चाहूँ तो मुझे पूरे स्प्रिंग को जो स्प्रिंग के अंदर का हिस्सा है उसको कवर करना पड़ेगा। बट मेरे को यहाँ पे सिर्फ ब्लैक कलर करना है, तो मैं सिर्फ इसके बीच का पार्ट ही कवर करूँगा, क्योंकि अगर बाकी पूरा ब्लैक भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ अंदर की रॉड ब्लैक नहीं होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि हमने जो हमारा मेन पार्ट था वो कवर कर दिया। अगर आपको थोड़ा सा ऊपर का पार्ट भी कवर करना है तो आप एक सेलो टेप की मदद से ऊपर का पार्ट भी कवर कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो ब्लैक कलर करना है तो इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अगर आपको रेड करना है तो आपको ऊपर का पार्ट भी कवर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप कोई भी नॉर्मल स्प्रे पेंट ले सकते हैं, आपको उससे एक या दो कोट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ ब्लैक कलर करना है, तो ब्लैक कलर एक कोट में काफ़ी अच्छे से आ जाएगा, तो आप अपने हिसाब से एक या दो कोट कर सकते हैं। स्प्रे पेंट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से स्प्रे पेंट खरीद सकते हैं। और अगर आप करना चाहें और अच्छे से, अगर थोड़े से आपके शॉकर्स और ख़राब हैं, तो आप सैंड पेपर की मदद से भी इसको अच्छे से साफ़ कर सकते हैं, या फिर पॉलिश पेपर आता है पॉलिश पेपर से भी आप इसे साफ़ कर सकते हैं। बट जो ये शॉकर है मेरे वाले उतने गंदे नहीं थे, तो मैंने सीधे इनको थोड़ा सा साफ़ कराया और सीधे स्प्रे पेंट कर दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्प्रे पेंट अच्छे से हो चुका है। मैंने इसमें मैट कलर करा था और मैट कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है, और सिर्फ अंदर का जो पोर्शन है वो ही बचा है हमारा, जो हमारी रॉड है स्प्रिंग के अंदर से, वो काफ़ी अच्छी लग रही है। और बाकी पूरा जो शॉकर है वो पूरा ब्लैक हो चुका है, मैट ब्लैक हो चुका है, और तो काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है। तो आप सेम प्रोसेस करके अपनी बाइक स्कूटी किसी भी शॉकर में कर सकते हैं ट्राई। सो गाइज, आई होप कि आपको ये DIY ट्रिक की आइडिया अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सो गाइज, मिलते हैं अगली ही ऐसी एक मज़ेदार वीडियो के साथ। टिल देन कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग कस्टम मेनिया शाइनिंग ऑफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Perfect.